सुप्रभात। आज की प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है। सावधान की स्थिति में खड़े हों, हाथ जोड़कर आंखें बंद करें। कितनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितने भी दे भले जिंदगी दे। बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाके सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबनो। अपनी करुणा का जल तू बहा के, पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे दूर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, विश्वास कमजोर विश्वास कमजोर हो, विश्वास कमजोर हो। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी साथ। सृष्टि के वस्तु वस्तु में तू ही आहार विद्यमान। तेरा ही धत ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। Good morning, all the respected members of staff and my dear children. Have a joyful day.
छात्र प्रतिज्ञा। भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश अपने प्राणों से भी प्यारा है। हमें अपना देश अपने प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सहयोग अधिकारी बनने का सदा प्रयत्न करते रहेंगे। हम अपने देश हम अपने माता पिता शिक्षकों एवं सभी गुरुजनों का सदा सम्मान करेंगे और सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। विश्राम की स्थिति में खड़े हों। आज का समाचार प्रस्तुत करने के लिए मैं कक्षा 9वीं E की छात्रा प्रतीक्षा रे को आमंत्रित करना चाहूंगी। सुप्रभात, मैं प्रतीक्षा राय कक्षा 9वीं की छात्रा आज आपके समक्ष आज का समाचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की लाहौर वाली संपत्ति को नीलाम करने का आदेश। धरती की तरफ बढ़ रहा भयानक खतरा, नासा ने जारी की चेतावनी। लोकतंत्र पर अमेरिकी सम्मेलन में पीएम मोदी को न्योते पर आपत्ति। दूसरे में राष्ट्रीय समाचार। मणिपुर में कम नहीं हो रही कांग्रेस की मुश्किलें। आधा दर्जन से ज्यादा विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी। परमवीर सिंह जबरन केस, सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, दो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार। तीसरे में राज्य समाचार। ओडिशा में बीजेपी कांग्रेस का प्रदर्शन, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री को बनाया बंधक, पुलिस ने छुड़ाया। चौथे में खेल समाचार। टीम इंडिया ने जीत के साथ खत्म किया T20 वर्ल्ड कप का सफर, नामीबिया को 9 विकेट से हराया। अंत में मौसम की जानकारी। आज का अधिकतम तापमान रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतीक्षा। और आज के सुविचार प्रस्तुत करने के लिए मैं 11th ह्यूमैनिटीज की आर अर्पिता को आमंत्रित करना चाहूंगी। सुप्रभात, मैं आर अर्पिता मैत्री सदन कक्षा 12वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष आज के सुविचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। इसका अर्थ है कि जीवन संघर्ष भरा होता है। व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव आदि का सामना करना पड़ता है। किसी भी ठोकर से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सचेत और सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को ठोकर लगे और वो उस कार्य को या उस कार्यपथ पर चलना छोड़ दे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद अर्पिता। अब डीएवी गान के लिए सावधान की स्थिति में खड़े हों। अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय दिए विजय जय दिए विजय जय। प्रबल प्रवाह मई नित नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता ये धारा अक्षय दिए विजय जय दिए विजय जय। दयानंद से प्रेम भक्ति ले
हंसराज से त्याग शक्ति ले, धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय। दिए विजय जय, दिए विजय जय, सुख समृद्धि इसकी लहरे, प्रेम शांति इसके तट ठहरे, सघन शांतिमय प्रबल क्रांतिमय लिए अटल निश्चय। दिए विजय जय, दिए विजय जय। और इसी के साथ आज की प्रार्थना सभा यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।